मैं हूं हंसराज बोराना, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। ये वीडियो आज मैं आपके लिए खास बना रहा हूं, गिफ्ट आर्टिकल में सफलता कैसे प्राप्त किए करें। मेरे ये जो टिप्स हैं ये सिर्फ आपके लाभ और हित के लिए। हमारा मेन वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि आपको इनकम कैसे बढ़ाए, आप कैसे प्रोग्रेस करें, कैसे जिंदगी की सफलता के ऊंचे कुछ हुए। मेरे वीडियो को देखने के से पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको और भी नए नए अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। अब बताएंगे आपको कि ये बिजनेस है गिफ्ट आर्टिकल। ये बिजनेस एक नए जमाने का है, बर्थडे बच्चों को ज़्यादा क्रेज है गिफ्ट का, और बच्चों और बूढ़े तक ये गिफ्ट का आजकल बहुत ज़्यादा इस माहौल बन गया है। यानी हर बच्चों को भी याद आ गया है कि मेरा ये इस तारीख को मेरा बर्थडे है, बच्चों का इंटरेस्ट रहता है। तो एक दूसरे का एक बच्चे का बर्थडे में कम से कम 20 से 25 30 40 गिफ्टें उनके घर पे आती है। तो ये रेगुलर होने वाला बिजनेस है, और अगर आप एक बार इसको करोगे धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाएगी, फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा इसमें, इतना अजब बिजनेस है। इस बिजनेस में कमाई जबरदस्त है, सुपर कमाई है। 10 रुपये से लगा के 50, 100, 150, 5000 तक गिफ्ट लोग खरीदते हैं, जैसा उनकी कैपेसिटी, जैसा कस्टमर। अब इस बिजनेस को शुरू करने से पहले इसमें आपको लागत है 50,000 के समथिंग में ये बिजनेस हो जाएगा। इसमें आप इसको गली में भी करोगे तो चल जाएगा, और मेन रोड पे करोगे तो थोड़ा और चल जाएगा। वैसे मेन रोड पे ही करना चाहिए ताकि एक्स्ट्रा कस्टमर मिल जाते, गली में आपको कस्टमर को खींचना पड़ेगा, मेन रोड पे करोगे तो आपको एक्स्ट्रा कस्टमर मिल जाएगा। अभी इसमें इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए आपको सबसे पहले विजिटिंग कार्ड घर घर दुकान दुकान जाके कम से कम आपको टारगेट रखना है 1000 घरों तक विजिटिंग कार्ड सप्लाई करना है। देखिए मेरे कहने का आती है कि आप अगर बिजनेस कर रहे हो, यानी बिजनेस कर रहे हो रुचि से करिए, आप सोच रहे हो कि दुकान खोल के बैठू और कस्टमर आ जाएगा तो इम्पॉसिबल है। पर कॉम्पिटिशन वाला युग है, प्रतिस्पर्धी वाला युग है, इसमें ऐसे कस्टमर नहीं आए। कस्टमर को आपको रिमाइंडर देना पड़ेगा, कस्टमर को ऐसा मैसेज देना पड़ेगा कि यहाँ पर ये शॉप है, तभी कस्टमर आएंगे। तो आपको एक विजिटिंग कार्ड करना पड़ेगा, उसके बाद आप पैम्पलेट एडिट कर सकते हो जो बहुत बढ़िया है। तीसरा है आप अखबार में पैम्पलेट वॉकर को भी दे सकते हो ताकि जबरदस्त इसका मार्केट हो जाएगा। 2-3 हज़ार 4 हज़ार तक पत्रिका आपके आसपास में आती है, तो सबने ये होकर उसमें पैम्पलेट डाल देगा। पैम्पलेट का खर्चा आता है 500 रुपये में 2000 पैम्पलेट आ जाते हैं, 500 रुपये वो डालने का ले लेगा अखबार वाला, ये हो जाएगा। उसके बाद एक आप एक और लड़के को हायर कर सकते हो 2-3 दिन के लिए, वो जगह जगह स्टिकर लगा देगा, बैनर लगा देगा। आप स्टिकर स्कूलों के बाहर लगा सकते हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के बाहर भी छोटे छोटे स्टिकर की गिफ्ट उसमें लिखना है, गिफ्ट आर्टिकल बच्चों के बर्थडे गिफ्ट हैं, शादी के हैं, ऑल ओवर हमारे पास सब कम रेट में हमारे पास अवेलेबल, और एड्रेस वगैरह और आपका कस्टमर नंबर। तो आप हॉस्टल है, स्कूलों में ये सब आसपास में आपको लिखना है। स्कूलों में भी बैनर पैम्पलेट छपा करवाने से आप काफ़ी लोगों को याद आ जाएगा। गिफ्ट आर्टिकल्स की दुकानें बहुत स्पेशली अगर आप करोगे तो नाम से कस्टमर आएंगे। इसमें आप गिफ्ट आर्टिकल में ये बैनर भी लगा सकते हो, बैनर लगाना है आपको, विजिटिंग कार्ड तो आप खुद दोगे, बाकी पैम्पलेट ऐड हो जाएगी। तीसरी है आप मोबाइल से भी कर सकते हो, मोबाइल ग्रुप बना लो, उसमें काफ़ी ग्रुप में और दूसरे ग्रुप में भी डाल सकते हो कि ये गिफ्ट के फोटो भी डाल सकते हो कि इस प्रकार गिफ्ट है, फ्लावर के हैं, परफ्यूम है, और भी नई आर्टिकल्स खिलौने वगैरह बच्चों के लिए किस प्रकार, जैसा एज के हिसाब से। अब जैसे कोई पढ़ा लिखा उसको आप पेन दे सकते हो बड़ी अच्छी से, 50-60 रुपये वाली पेन भी दे सकते हो, जो ऑफिसर हो तो उनको जैसा उनका प्रोफेशनल है उस हिसाब से आपको गिफ्ट देना है। कुछ आपको आइडियाज भी देना कस्टमर को, ताकि कस्टमर कई बार अपने पास आते हैं उनको पता नहीं रहता कि भाई ये लड़के ये उम्र के लड़के हैं उनको कौन सा गिफ्ट पसंद आएगा, कौन सा देना चाहिए ताकि हमारा इंप्रेशन पड़े, तो वो कुछ आइडिया आप भी दोगे। अब इसमें आप कई मैक्सिमम लोग फूल लेते हैं, फूल इसमें 10 रुपये वाला भी आता है, 20 वाला भी आता है, और बड़ा बड़ा 100-100 रुपये वाले भी देते हैं, जैसा कस्टमर की डिमांड और जैसे की कैपेसिटी। और परफ्यूम भी आता है, एल्बम भी आती है, खिलौने भी आते हैं, और भी बहुत सारे आते हैं। इसमें आपकी कमाई है 30 से 40 हज़ार, नॉर्मली कमाई शुरुआत में हो जाएगी, और उसके बाद बढ़ती बढ़ती आपके 1-1.5 लाख तक भी जा सकती है। बंद होने वाला बिजनेस नहीं है ये, शादी बर्थडे छोटे मोटे कार्यक्रम हैं, मुहूर्त में भी लोगों के घरों का मुहूर्त होते हैं, फ्लैटों के मुहूर्त और ऑफिसों के मुहूर्त, और छोटा मोटा कार्यक्रम कोई फंक्शन विदाई समारोह और किसी का रिटायरमेंट समारोह, तो ये क्या चलता रहता है काम क्रेज है। एक बार आप 2-3 साल पुराने हो जाओगे ना, इतने बिजी हो जाओगे कि आपको दूसरा बिजनेस करने का दिमाग भी नहीं रहेगा, आप इतने
बिजी रहेगा, आपको पैकिंग करने में भी टाइम बिल्कुल वेटिंग रहेगी, लोगों की उल्टी कंप्लेन भी आ जाएगी कि सर मेरी इतना गिफ्ट है पैक क्यों नहीं किया, क्योंकि ये मार्केट छोटा नहीं है, बहुत बड़ा और आने वाले टाइम में और भी बड़ा होने वाला है। इसलिए बहुत अच्छा बिजनेस है, आप इसको दिल से आत्मा से करो, आपको मजा आएगा, आपको कहीं जॉब करने की जरूरत नहीं है। 30-40 हज़ार में यानी आप ये नॉर्मली समझ लो आप 50-60 हज़ार में बिजनेस सर हो जाएगा और खूब धीरे धीरे इस बिजनेस में फलोगे फूलोगे, फिर कमी भी निकलेगी, 2-3 साल बाद आप इसकी अच्छी इनकम शुरू हो जाएगी आपकी बढ़िया, आप बहुत पूरे खुद के सपने सब पूरे कर सकते हो। ऐसे टिप्स मेरे से आपको मिलते रहेंगे, अभी एक नेक्स्ट हम एक और वीडियो लेके आपके साथ आपको मिलेंगे, तब तक आप खुश रहे, स्वस्थ रहे और हेल्दी रहे, और कोरोना वायरस का कहर है इसलिए आप घर पे ही रहे। ओके, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक।